सो हे गाइस, आज मैं अपने फाउंटेन पेन जो मैंने करंटली इंक्ड किए हैं वो मैं नोट करूँगा कौन कौन से पेन हैं, इंक के इनमें कौन कौन सी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सो फर्स्ट मैंने न्यूली इंक्ड किया था ये ब्रिल RFP 001। सो पहले हम हेडलाइन लिख लेते हैं, वन मिनट या अब ठीक है फ्रेंड्स या तो आज की डेट में मैं लिख लूँगा 12 सितंबर। ये चाहे जिस भी दिन मैं अपलोड करूँ पर आज की डेट में लिखनी है मैंने। सो स्टार्ट करते हैं। इंक्ड विद कैमलिन परमानेंट ब्लैक। वेरी जूसी। देख सकते हैं आप कितना जूसी है ये। सो नेक्स्ट पेन इज ब्रिल 63W टर्किश ब्लू कलर पेन एंड इंक वाज ब्रिल टर्किश ब्लू। वेरी जूसी निपल से। Very nice fountain pen. So third pen we have a Brill green Brill RFP 006 ग्रीन पेन इंक वाज ब्रिल ग्रीन इंक। डेमोन्स्ट्रेटर पेन है ये। वेरी नाइस फाउंटेन पेन 20 रुपीज़ ओनली। तो नेक्स्ट है हमारे पास
Brill RFP006 also, but in pink color pen. Ink was Brill. देख सकते हैं जूसी है बट इतनी भी नहीं है. आई लाइक दिस वेरी मच पेन. सो लास्ट वन इज ए ब्रिल RFP005 very nice juicy nibble. So ये मैंने नोट डाउन कर लिए हैं. So, मैं अपना जो भी मैं फाउंटेन पेन के रिलेटेड करता हूँ वो मैं नोट डाउन करता हूँ. आप लोग पूछेंगे पेपर कौन सा है ये कि इतने मतलब आईड्रॉपर फाउंटेन पेन की भी इसमें मतलब इंक पीछे नहीं दिख रही. बढ़िया बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर है, 100 GSM पेपर है ये पेपर. और अगर आपने इस पेपर के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करें. ये नोटबुक भी मैंने खुद बनाई है. अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये नोटबुक बताऊं कि कैसे बनी है बनाकर बताऊं, आप इस पे भी हम मुझे कमेंट कर सकते हैं. एंड ये कवर भी मैंने इसके लिए आप बनाया है, ये रीफेबल कवर है. एंड ये भी सब कुछ मैंने आप बनाया है. अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. थैंक यू गाइस.